ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो मैंने आपके जो कमेंट सेक्शन में बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप ऑल इनसाइड पर एक डिटेल वीडियो बनाइए, ऑल इनसाइड ACL टेक्निक पे पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो उसके बारे में है। तो दोस्तों, मैंने पिछले 5 से 10 दिन तक ऑल इनसाइड के बारे में एक डिटेल स्टडी करी है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक आर्टिकल भी है जो कि पिछले 10-15 साल में जितने भी ऑल इनसाइड सर्जरीज हुई हैं उसकी सारी जो प्लस माइनस है उसके बारे में है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें इस आर्टिकल का लिंक भी आप देख सकते हैं। जो ये आर्टिकल है दोस्तों, वो जनरल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में छपा हुआ है और इसमें ऑल इनसाइड के बारे में सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर भी किया गया है कि जो नॉर्मल ACL टेक्निक है और ऑल इनसाइड टेक्निक है उसमें क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑल इनसाइड ACL होता क्या है। तो दोस्तों, बेसिकली ऑल इनसाइड ACL के अंदर क्या किया जाता है कि जो ACL ग्राफ्ट है उसके लिए जो टनल्स हैं वो कंप्लीट नहीं बनाई जाती, बल्कि हाफ टनल या हाफ ग्राफ्ट ही बनाए जाते हैं और उसके पश्चात उसके अंदर से ग्राफ्ट पास किया जाता है। यानी ग्राफ्ट बाहर से पास करने की बजाय ग्राफ्ट को पहले नी जॉइंट में डाला जाता है और फिर ऊपर और नीचे उसे एंडो बटन की सहायता से फिक्स किया जाता है। मैं आपको एक ड्राइंग बनाकर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप इधर देख सकते हैं कि ये एक ऊपर की बोन है जिसे फीमर बोन कहते हैं, ये एक अंदर की बोन है, नीचे वाली बोन है जिसे टिबिया बोन कहते हैं। तो जब हम नॉर्मल ACL लगाते हैं दोस्तों, तो जो नॉर्मल ACL होता है वो इस तरह से लगाया जाता है, यानी कि वो फीमर और टिबिया की फुल लेंथ में लगाया जाता है, जहाँ उसे नीचे एंडो बटन से और नीचे यहाँ पर उसे टिबिया की साइड बायो स्क्रू से फिक्स किया जाता है। ये कन्वेंशनल टेक्निक है, जो कि आज से 20-25 सालों से चली जा रही है। लाखों ACL इसके द्वारा किए जा गए हैं। ये एक ट्राइड और टेस्टेड टेक्निक है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब जो ऑल इनसाइड की टेक्निक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या किया जाता है। तो ऑल इनसाइड के अंदर क्या होता है कि जो टनल है वो इतनी ही बनाई जाती है फीमर में, और इतनी ही टनल फीमर में, यानी आपका ग्राफ यहाँ रहता है और यहाँ पर भी एक एंडो बटन लगा दिया जाता है और यहाँ पर भी एक एंडो बटन लगा दिया जाता है। ये एक ऑल इनसाइड टेक्निक है। ये जो टेक्निक है दोस्तों, वो अब 20 से 25 साल से चली आ रही है। इंडिया के लगभग 99% डॉक्टर्स इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वहीं ऑल इनसाइड को बात करें तो less than 1-2% डॉक्टर ही इंडिया में इसको यूज़ करते हैं। लगभग ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नई टेक्निक है, ये टेक्निक 10 से 15 साल पहले भी मौजूद थी, लेकिन क्योंकि इस टेक्निक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आई है तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है। अभी भी आप देखें तो पूरे इंडिया में मुश्किल से 1-2% लोग ही हैं जो ऑल इनसाइड टेक्निक को प्रमोट करते हैं या यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक स्टडी बताने वाला हूँ कि क्यों ऑल इनसाइड जो टेक्निक है वो उसके बारे में क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या उसके फ़ायदे होते हैं, दोनों बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अब मैं जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैंने जितनी भी रिसर्च पिछले 10-12 दिन में ज़्यादातर की है, तो उसका रिसर्च का एक आर्टिकल जो मुझे मिला है जिसमें कि पिछले 10-15 साल में जितने भी लोगों ने ऑल इनसाइड ट्राई किया उसके पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे हैं। वैसे तो पेपर बहुत डिटेल में है दोस्तों, लेकिन 80% ये ऑल इनसाइड के बारे में पॉजिटिव बातें नहीं बताता। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो बताता है वो ये है कि जो आपका जो ग्राफ्ट है वो बजाय कि दोनों साइड फिक्स होने के झूल रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत दूर से यानी फीमर और टिबिया के आउटर कॉर्टेक्स पे एंडो बटन से फिक्स किया गया है। उसके कंपैरिजन में जो नॉर्मल कन्वेंशनल ACL है उसमें उसे स्क्रू से फिक्स किया जाता है तो वो काफ़ी अच्छी ग्रिप ले लेता है। तो जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें पाया गया है कि जो ऑल इनसाइड का ग्राफ्ट है वो थोड़ा बहुत बंगी जंपिंग जैसे झूलता है, स्प्रिंगिंग एक्शन होता है, तो लॉन्ग टाइम में इसकी वजह से ग्राफ्ट फेलियर के चांसेस बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक स्टडी है। इस स्टडी में ऐसा कहा गया है कि अगर लंबे समय तक ऑल इनसाइड टेक्निक का ग्राफ्ट है तो फ्यूचर में वो ब्रेक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जाना कि ऑल इनसाइड टेक्निक कन्वेंशनल टेक्निक से बेटर है, इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये जो स्टडी है इसके मैं आपको पूरी डिटेल बताने की बजाय इसका जो रिजल्ट है उसको पढ़ूंगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके इस स्टडी को खुद भी पढ़ सकते हैं। ये स्टडी लास्ट में ये कहती है कि सारे रिजल्ट सारी स्टडीज़ को देखने के बाद ये पाया गया है कि दोनों टेक्निक यानी ऑल इनसाइड में और स्टैंडर्ड टेक्निक में कोई खास अंतर नहीं है।
काफ़ी सारी जगह जब आप ऑल इनसाइड कराते हैं तो आपकी कन्वेंशनल टेक्निक से 30 से 40 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ऑल इनसाइड टेक्निक आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती है। जितनी भी स्टडीज़ गई हैं उसमें कुछ ये कहा गया है कि कुछ लोगों में थोड़ा सा सर्जरी के बाद 3-4 दिन दर्द कम रहता है, यानी कि अगर आप ऑल इनसाइड टेक्निक कराएंगे तो नॉर्मल से आपको हो सकता है 10-5 दिन पेन किलर थोड़ा कम लेना पड़े, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमेशा ग्राफ्ट फेलियर का कंसर्न बना रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्राफ्ट बहुत दूर से पकड़ा हुआ होता है तो ग्राफ्ट में एक स्प्रिंगिंग मूवमेंट हमेशा रहता है। ग्राफ्ट बहुत दूर से पकड़ा होने की वजह से कोई भी चोट आती है तो वो एक स्प्रिंग की तरह मूव कर सकता है, और ऐसे में टनल वाइड हो सकती है या तो ग्राफ्ट भी डैमेज हो सकता है। यही वजह है दोस्तों कि इतने साल से काफ़ी पुरानी टेक्निक होने के बावजूद भी अभी भी ये कोई फेवरेट टेक्निक नहीं बन पाई है। लगभग इंडिया के 90 से 98% डॉक्टर्स इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने अपने शहर में अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, बहुत ही कम डॉक्टर्स दोस्तों आपको ऐसे मिलेंगे, 1 से 2% डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने कि ऑल इनसाइड टेक्निक को यूज़ किया होगा। और ऑल इनसाइड टेक्निक यूज़ करने की वजह ये नहीं है कि ये महंगी है या फिर इसको टेक्निकली करने में हमें कोई दिक्कत आती है, क्योंकि हम सारे ही बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑल इनसाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन मेन सवाल यही है कि कोई ऐसी टेक्निक जो नई है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है और एक पोटेंशियल डेंजर भी है कि आगे जाके ग्राफ्ट फेल हो सकता है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट घुटने में करना ठीक नहीं है, क्योंकि कल को फ्यूचर में अगर पेशेंट को दिक्कत आती है तो उसे रिवीजन ACL की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो सर्जरी हुई है जिस टेक्निक से, तो आप भी उसी टेक्निक से सर्जरी करवाएं और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करें। मैं खुद कन्वेंशनल टेक्निक से पिछले 10 साल से 4 से 5 हज़ार सर्जरीज कर चुका हूं और जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आज तक मुझे कभी भी इस बात का नहीं लगा कि मुझे कोई और टेक्निक चेंज करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बेहतरीन है। आपने भी हमारे YouTube पे हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे। अगर आपके मन में कोई सलाह है, कोई डाउट है, तो आप हमारे पेशेंट्स के नंबर ले सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। आज हम लोग इस सिचुएशन में हैं कि आप किसी भी राज्य से फ़ोन करेंगे तो हम उसी राज्य में हमारे पेशेंट्स के नंबर आपको दे पाएंगे, तो वो खुद आपको बताएंगे कि कन्वेंशनल टेक्निक से उनका ACL बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। एक और बात जो कही जाती है कि ऑल इनसाइड टेक्निक में आप इंटरनल ब्रेस्ट लगा सकते हो, जबकि कन्वेंशनल टेक्निक में इंटरनल ब्रेस्ट नहीं लगा सकते हो, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि इंटरनल ब्रेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों, इंटरनल ब्रेस्ट एक तरह की फाइबर टेप होती है जिसे ग्राफ्ट के साथ लगा दिया जाता है, यानी कि जो मेन ग्राफ्ट है उसके साथ में एक रस्सी अलग से जोड़ दी जाती है, जो कि एक तरह की सीट बेल्ट की तरह काम करती है। कल को आप गिरते हो तो जो इंटरनल ब्रेस्ट है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका भी अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो ऑल इनसाइड जो कन्वेंशनल टेक्निक है, स्क्रू और एंडो बटन वाली टेक्निक, उसमें भी इंटरनल ब्रेस्ट लगाया जा सकता है, उससे थोड़ी सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कहना कि ऑल इनसाइड टेक्निक में ही इंटरनल ब्रेसिंग कर सकते हैं और कन्वेंशनल में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कन्वेंशनल टेक्निक में भी इंटरनल ब्रेसिंग कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी वर्ल्ड के टॉप बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, कुश्ती प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर हैं, अगर वो सर्जरी कराते हैं तो खुद चला के कन्वेंशनल टेक्निक ही कराते हैं। कोई भी प्लेयर ऑल इनसाइड टेक्निक को नहीं करवाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स इतने कम अवेलेबल हैं। कोई भी अच्छा प्लेयर ये नहीं चाहता है कि उसके पैर में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें कल को फ्यूचर में कोई टेक्निक दिक्कत आए तो उसके रिजल्ट्स ही अवेलेबल नहीं हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ गई है। तो जिस प्रकार से हम कोई कार खरीदते हैं तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल यूज़ करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसके रिव्यूज़ देखते हैं कि भाई सैमसंग या एप्पल जो फ़ोन है, ब्रांडेड फ़ोन जो सालों से चले आ रहे हैं, अचानक से कोई फ़ोन कल से नए मार्केट में आता है तो हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आज से 6 साल बाद या 5 साल बाद कैसा रहेगा, क्या वो सर्विस दे पाएगा नहीं दे पाएगा। सेम चीज़ हेल्थ के मामले में भी लागू होती है, हमें वही टेक्निक को यूज़ करना चाहिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि उसके रिजल्ट कई सालों से अच्छे रहे हैं, बाकी लोगों ने उसमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल तक प्राप्त किए हैं, तो फिर हम भी क्यों रिस्क लें, हमें भी वही टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बार भी दोस्तों हम इसी तरह से किसी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस की जरूर लेकर आएंगे। इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तुरंत आप उसे देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।